देखिए अगर आप दोस्तों यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों आपके कुल कितने परसेंट होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, और एडमिशन दोस्तों कब स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट ईयर 2024 में कब एडमिशन स्टार्ट होंगे दोस्तों, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा इस बार, क्योंकि अभी तक दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए यूपी में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे गाइस। और फीस कितनी होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की, कौन इस कोर्स को कर सकता है, क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स को कर सकते हैं, या क्या दोस्तों आप लोग अदर स्टेट से कर सकते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यूपी में डीएलएड कोर्स का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे 2024 में। देखिए यूपी में दोस्तों अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में दोस्तों यूपी में डीएलएड कोर्स का जो एडमिशन है ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2 जून से, मई में नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप यही लगा लो दोस्तों उत्तर प्रदेश में डीएलएड का जो एडमिशन है ये मई जून में स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, updlet.gov, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गाइस आपके जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने परसेंट होने चाहिए, और पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, कितने परसेंट वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, कितने परसेंट वालों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पिछले साल लगभग दोस्तों 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे 2023 में, जिसमें से लगभग 3 लाख स्टूडेंट का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2,20,000 के आसपास स्टूडेंट का जो है फाइनल एडमिशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में 10,600 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और लगभग 2,10,000 जो है प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। तो पिछले साल तो हर मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की सभी सीटें भर गई थी। रीज़न आपको पता है गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया था, तो ऐसे में डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे और वैकेंसी भी निकली थी बिहार में, तो ये रीज़न था, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना परसेंट होना चाहिए, तो 240 से 235 कम से कम 235 आपके होने चाहिए अगर आप जनरल से हो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, ठीक ना। आप ये लगा लो 230 के आसपास है तो आप सेफ स्कोर में हो, और अगर आप ओबीसी से हो गाइस तो कम से कम आपके 220 के आसपास होना चाहिए, एससी से हो तो आपका 210, एसटी से हो तो आपका 205 के आसपास होना चाहिए, लगभग 200। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो कम से कम आपका 190 के आसपास होना चाहिए, और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती होते हैं इनका कम से कम गाइस 195-200 के आसपास है इनका हो जाएगा, सीटें रिजर्व है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, ठीक ना। अब हम बात करते हैं गाइस फीस की, तो यूपी में प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये 82,000 रुपये है, इससे 1 रुपये भी आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ये लगभग दोस्तों 20,000 रुपये है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, तो देखिए यूपी डीएलएड का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डीएलएड कोर्स यूपी के ही जो स्थायी निवासी या डोमिसाइल है वही कर सकते हैं, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट यूपी से नहीं कर सकते। लेकिन यूपी के स्टूडेंट अदर स्टेट से कर सकते हैं, जैसे आप दिल्ली से कर सकते हो, हरियाणा से कर सकते हो, एमपी से कर सकते हो, ठीक है ना। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप जनरल से हो तो 35 साल, और अगर आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से हो जैसे एससी एसटी से, तो आपको यहाँ पर जो है लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को भी 5 साल का, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से जो स्टूडेंट है तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट स्टूडेंट मिलते हैं।